अकरा हसन, उम्र 28 साल, लंदन की यूनिवर्सिटी से एमएससी और लॉ की पढ़ाई की। यूपी की कैराना लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने टिकट दिया और पहली बार बीजेपी प्रत्याशी को 70,812 वोटों से हरा। इकरा हसन उसी इलाके से सांसद बनी जहां बीजेपी ने कथित तौर पर कैराना पलायन का मुद्दा जोर शोर से उछाला था, लेकिन नहीं चला। मतलब साफ है कि राम मंदिर मुद्दा भी फेल हो गया, पलायन मुद्दा भी फेल होता नजर आया, नौकरी, काम और विकास के नाम पर वोट पड़े। यूपी के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने जीत हासिल की है। इकरा के खिलाफ मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार उतरे थे, तो वहीं दूसरी ओर बसपा के श्रीपाल मैदान में थे। दोनों उम्मीदवारों को हराते हुए भारी मतों से इकरा हसन ने विजय हासिल की। चलिए जानते हैं कि आखिर इकरा हसन कौन थी। अगर आप सोच रहे हैं कि भाजपा को हराने वाली इकरा हसन आखिर कौन है, तो आपको बता दें कि पूर्व सांसद चौधरी अख्तर हसन की पौत्री और तबस्सुम हसन की बेटी है। सपा ने इस बार इकरा को कैराना के मैदान में उतारा था। बात करें इकरा की फैमिली की, तो इनके बड़े भाई का नाम नाहिद हसन और माता का नाम माँ तबस्सुम हसन है, और इस समय इकरा की उम्र 27 वर्ष है। इकरा हसन की शुरुआती पढ़ाई कैराना से हुई, जबकि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है, और इस दौरान CAA का विरोध करती हुई इकरा हसन सुर्खियों में आई। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इकरा के भाई नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने कोर्ट में गैंगस्टर के मुकदमे में सरेंडर करने के पहले गिरफ्तार कर लिया था। भाई के जेल जाने के अगले ही दिन इकरा हसन लगातार प्रचार प्रसार में जुट गई। उन्होंने अपने परिवार की राजनीति बागडोर को अपने कंधों पर ले लिया। आपको बताते चलें कि कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने अखिलेश यादव के भरोसे को कायम रखते हुए जीत हासिल की है। कैराना में सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने 70,000 मतों से विजय हासिल की है और इकरा ने भाजपा के प्रदीप चौधरी को हरा दिया है। वैसे कैराना में जिस तरीके से पलायन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया और इकरा हसन ने मजबूत दावेदारी पेश करते हुए 70,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी को हराया, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ।